नवीद कमर साहब बहस का आगाज करें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, मैं सबसे पहले तो वही बात दोहराऊंगा जो कल मैंने की थी कि इस हाउस के दो मुंतखब मेंबरान हाउस में गैर हाजिर हैं इसलिए कि वो हुकूमत की तहवील में हैं। इस लिहाज से ये हाउस मुकम्मल नहीं है और इस हाउस से जो भी बजट या कोई और तहरीक पास होती है वो उस हद तक मशकूक रहती है और उसको किसी न किसी पॉइंट पे चैलेंज किया जा सकता है। आपके पास गुंजाइश है कि प्रोडक्शन ऑर्डर के ज़रिए उनकी मौजूदगी यहाँ आप यकीन सर जी यकीन बनाएं और इस लिहाज से इस बजट प्रोसेस को जो लेजिटिमेसी मिलनी चाहिए वो मिलेगी। इसको एक ऐसी बात ना समझें कि हम एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देंगे। हमेशा तारीख में जहाँ जहाँ भी ये फैसले हुए हैं कि मेंबर्स को नहीं लाया जाएगा अल्टीमेटली उन हुकूमतों को उस चीज़ का नुकसान हुआ है। तो प्लीज़ आपको भी और हुकूमत वक्त को भी मैं ये गुजारिश करूँगा कि इस चीज़ पे ध्यान दें और उनका प्रोडक्शन ऑर्डर फौरी तौर पे निकाला जाए। जनाब आला, मैं अब कट मोशन पे आता हूँ। जनाब आज सुबह की सिर्फ डॉन की बिजनेस पेजेस की अगर हेडलाइन देखें तो हेडलाइन ये है कि ईसीसी अप्रूव्स अप टू 191% हाइक इन गैस प्राइसेस। 191% मतलब तिगना। आज जितनी भी आपको गैस की प्राइस बिल आ रहा है वो तिगना हो जाएगा। ये तो मुझे हैरत है कि ये हुकूमत किस तरह से ये प्राइसेस जो है हर चीज की बढ़ाती जा रही है कैसे कोई रेवड़ियां बांट रही हूं। ये कोई खुशी की बात है? मुझे तो हैरत है कि वजीर मौसूफ साहब मेरे दोस्त हैं, छोटे भाई हैं, कि उन्होंने इस्तीफा तो नहीं दिया। तो एटलीस्ट कम से कम वजीर हज के का जब एक फैसला उनके खिलाफ काबीना ने अभी किया था तो कम से कम उन्होंने वॉकआउट किया था उस फैसले के खिलाफ। लेकिन मुझे हैरत है कि वजीर साहब ने इस्तीफा तो नहीं दिया लेकिन वॉकआउट तक नहीं दिया। यह रेलवे के हादसों से बड़ा हादसा है इस मुल्क के साथ जनाबे वाला। और उसके साथ साथ हमने क्या फैसले किए हैं कल कि जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है उसको कंसेशन दिया था मेरे भाई असद उमर साहब ने और हम बार बार हुकूमत से ये सुनते थे कि हमने गैस प्राइसेस में कंसेशन दिया है ताकि एक्सपोर्ट्स हमारी बढ़े। कल के फैसले में उसको भी नल एंड वॉइड कर दिया है एक्सेप्ट के एक थोड़े से हिस्से में। तो क्या हमने गिव अप कर दिया है कि अब पाकिस्तान आइंदा कोई भी एक्सपोर्ट्स नहीं करेगा? एक तरफ हमने जीरो रेटेड इंडस्ट्री को जीरो रेटिंग खत्म कर दी और उनकी लिक्विडिटी तबाह कर दी, दूसरी तरफ जो भी थोड़ी बहुत कंसेशन दी थी उसको भी विड्रॉ कर लिया। तो अब इन सारी चीजों का हमारे इंडस्ट्री पे और इंडस्ट्री की वजह से हमारे एम्प्लॉयमेंट पे जो है बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। मैं कासर हूँ ये बात समझने से कि हुकूमत आखिर किस डायरेक्शन में हमें लेके जाना चाहती है। लेकिन साथ साथ उन्होंने कहा सोने पे सुहागा कि ये काफ़ी नहीं है कि सिर्फ आपने गैस प्राइसेस बढ़ा दी, आपने बिजली के जो नर्ख हैं उसमें भी 1.5 रुपये का इजाफा कर दिया। खुदा का खौफ करें कि एक ही वक्त में आप 1 जुलाई से जो टैक्स तो लगा रहे हैं सो लगा रहे हैं उसके साथ साथ अब गैस की प्राइसेस इतनी बढ़ा देंगे और बिजली की प्राइसेस इतनी बढ़ा देंगे।
अभी तो बजटरी इम्पैक्ट जिन चीजों पे आ रहा है उसका जो बिजली के प्राइसेस पे फर्क पड़ेगा वो तो आया नहीं है। आपको आपने एलएनजी पे जो टैक्स लगा दिया है जो कि पहले टैक्स फ्री था 17% का, आखिर वो भी तो पास थ्रू है, वो भी बिजली की प्राइस पे उसका इम्पैक्ट आएगा। तो वो ये जो है जुलाई के एंड में जो बिल आएगा, फिर उसके बाद हम अगस्त में एक और बम्प देखेंगे। तो हम आखिर क्या चाहते हैं, किस ऑब्जेक्टिव से ये सारी चीजें कर रहे हैं? अगर आपके एनर्जी प्राइसेस अनअफोर्डेबल हो गई, आपके गरीब के लिए तो अनअफोर्डेबल थी ही, अब आपकी अस्सलाम वालेकुम जी। प्लीज जनाब स्पीकर, मैं गुजारिश ये कर रहा था कि हमने इस बजट में एलएनजी पे भी सेल्स टैक्स लगा दिया है, जिसका नतीजा ये होगा कि एलएनजी का अल्टीमेट कंज्यूमर जो है वो आपका बिजली का सारिफ होता है। और बिजली का सारिफ के एक तो आपने कल ईसीसी के फैसले के मुताबिक 1.5 रुपया फी यूनिट आपने बढ़ा दिया, उसके बाद आप उसके ऊपर एलएनजी का एक और टैक्स लगा के उसकी कीमतें बढ़ा के ये भी इसमें फैक्टर इन होगा। तो मैं पूछना ये चाह रहा था हुकूमत से कि आखिर हम क्या करना चाहते हैं, क्या इस मुल्क की इंडस्ट्री भी बंद हो जाए और जो गरीब था वो तो वैसे ही अफोर्ड नहीं कर रहा था, वो थोड़ा बहुत कोई चोरी करके कोई ऐसे अंधेरे में रह के अपना गुजारा कर रहा था। तो आप अब सारे मिडिल क्लास को भी जो है मजबूर कर रहे हैं इन चीजों पे, ये काउंटर प्रोडक्टिव चीजें हैं। ये चीजें आपको आखिर में आके ज्यादा नुकसान देंगी कम नुकसान के बजाय। सिर्फ नंबर्स पे ना जाएं, आप अल्टीमेटली उसकी इकोनॉमिक्स को देखें जनाब। और ये उस वक्त हो रहा है, ये उस वक्त आप कर रहे हैं। आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि हमारे पास सरप्लस बिजली जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, दूसरी तरफ आप ये तमाम इस एरिया के जो भी लोग हैं बैठे हुए उनसे पूछें कि उनके यहाँ लोड शेडिंग कितनी हो रही है, कितने घंटे लोड शेडिंग होती है। कुछ वहां से तो आएगा कि भाई कभी कभी 2 घंटे तो कभी कभी 4 घंटे लोड शेडिंग होती है। 18 घंटे सर, 18 घंटे लोड शेडिंग होती है। जैसे मैंने कहा, कुछ लोग तो भूल ही गए हैं कि बिजली जैसी कोई चीज भी होती है। वो समझते हैं कि हम पिछली सदी में चले गए हैं, ना बिजली है ना आएगी ना हमें मिलेगी। और वो क्यों होता है कि अगर चंद लोग बिल नहीं अदा करते तो आपने उन चंद लोगों की वजह से जो बिल अदा करते हैं उनको भी पीनलाइज कर दिया। आपकी रिपोर्टें बनाते हैं वही लोग जो इस चोरी में शामिल होते हैं, तो उनको जो माल खिलाता है उसके वहां तो बिजली चलती है, जो नहीं खिलाता उसके ऊपर डबल बिल हो जाता है, क्योंकि जो उस वाले का भी तो बिल कहीं ना कहीं यूनिट्स लगाने होंगे। तो इस किस्म की चीजों से ये यहाँ इस्लामाबाद की ठंडी हवाओं में बैठ के या इन ऐवानों में ये मसले हल नहीं होंगे। आपने ऑन ग्राउंड देखना है, हम सब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, कम से कम जो लोग वोट लेके आते हैं डायरेक्टली नेशनल असेंबली के मेंबर्स हैं, उनको तो पता होना चाहिए कि लोग आखिर क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उनके साथ क्या बीत रही है। और सिर्फ अपने हलके का नहीं बल्कि पूरे मुल्क के हलकों का देखना चाहिए। तो ये भी इकोनॉमिक्स जो है आखिर में आपको गले में पड़ेगी जनाब वाला। अगर आगे बढ़ें सीएनजी को देखें, उस पर भी आपने टैक्स जो है वो बढ़ा दिया है। तो कहीं से रास्ता आपने छोड़ा नहीं है किसी गरीब किसी मिडिल क्लास वाले के लिए। आपने हर तरफ से उनको ऐसा घेरा दिया है कि अब बच्चों बताओ कि नए पाकिस्तान में कैसा मजा आया। तो नए पाकिस्तान का मजा अगर इस तरह से देना है आपने तो खुदा खैर करे, सिर्फ
ये नहीं कि वो आपको वोट नहीं देंगे अगली दफा, वो आपके साथ जो हशर करेंगे, शायद आपके साथ हमारे साथ भी हशर करें, लेकिन ऐसा हशर करेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। डोंट, कहीं तो गली छोड़ते हैं, कहीं तो उनको जीने का हक जो है उनके लिए छोड़ते हैं। जावे वाला, ये तो खैर इतना बड़ा मिनिस्ट्री है कि आप कहाँ से शुरू करें। आपने आगे जाके, राजे साहब बैठे हैं यहाँ, जी प्लीज बस वाइंड अप प्लीज। यहाँ पे आपके पास दो फैसले एक बहुत बड़े आए, जो के हमारे चीफ जस्टिस उस वक्त के उन्होंने दिए, एक कारके पे, एक रेकोडेक पे, दोनों इसी मिनिस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं। कारके में आपने जो भी फैसला किया, एक तो आप ये समझ में नहीं आता कि इस मुल्क में जो सेंक्टिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स है वो क्यों नहीं हम समझते, कि एक तरफ तो हम इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं और उनका अल्टीमेटली जो भी आर्बिट्रेशन होनी है या फैसला होना है वो दुनिया के कानून के मुताबिक होना है। तो जब हम यहाँ बैठ के हम ये क्यों एक ब्लिंकर्स लगा के चीज़ों को देखते हैं, ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात है। कारके में एक बिलियन से ज़्यादा आपके ऊपर जुर्माना लगा है, जिसको आपको खुद पता नहीं है कि आप इधर उधर से मांगे तांगे से तो मुल्क चला रहे हैं, फिर इस किस्म की पेनल्टीज कहाँ से पे करेंगे। और रेकॉर्डिंग पे तो खैर माशाल्लाह 8 से 11 अरब डॉलर्स, जो कि हमारे शायद इस पूरे बजट से भी ज्यादा हो, तो ये भी अल्टीमेटली किस पे आएगा? अगर आपका उनके साथ कोई सिचुएशन ठीक नहीं होती तो आपको अल्टीमेटली फिर टैरिफ में डालेंगे, फिर सार्फिन पे डालेंगे, फिर लोगों ने ही देना होगा। तो ये सारी चीजें जो हैं आपने देखना है, बजाय इसके कि सब चीज में सबको पकड़ो गले से जेलों में डाल दो, बाबा ये चीजें जो हुई हैं इसका कोई सद्देबाप करो जो हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचाएंगी। जनाब वाला क्या चाह रहे हैं कि मैं बैठूं? थैंक यू सर। नहीं सर, मुझे थोड़ा सा वक्त दे जनाब। नहीं, वो ये आपकी आपका टाइम ले रहा है, ये मैं अपना टाइम ले रहा हूँ जो कि आपने पिछली दफा काटा था। तो जनाब गैस पे ठीक है, हमारे मेम्बरान ने कहा है कि जो पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन पे आप क्यों नहीं काम करते, रास्ते तो हैं, यूएस सैंक्शन जरूर हैं, लेकिन उसका तरीक़ेकार हो सकता है अगर आप उनके साथ बैठ जाएं। आपका जो टैपी प्रोजेक्ट है वो भी नहीं चल रहा, तो अब जो डेफिशिएंसी गैस की आ रही है, या तो हम इसीलिए प्राइसेस बढ़ा रहे हैं कि डिमांड ख़त्म हो जाए तो कोई ना मांगे ना ज़रूरत पड़े और गैस की, लेकिन आपको तो पढ़नी है। अगर आपने इंडस्ट्री को थोड़ा बहुत आगे चलाना है, आपने अपने ट्रांसपोर्ट सेक्टर को चलाना है, तो आपने को फर्दर मुआहदे करने होंगे। एलएनजी को आप डिस्करेज कर रहे हैं, आप एक्सप्लोरेशन में कोई आपकी खातरख्वा नई जो एरियाज हैं वो एक्सप्लोरेशन के लिए दी नहीं गई हैं, एक ऑफशोर आपका वेल था जिसपे सारा आपका दारोमदार आ गया था और बार बार खुशखबरी मिलती थी, जब वो ड्राई निकला तो बस वो सब चीज़ें ख़त्म हो गई, हम हाथ पे हाथ रख के बैठ गए। इस तरह से तो मुल्क नहीं चलते, मुल्कों के लिए तो ये एक कांस्टेंट स्ट्रगल होती है कि हम किस तरह से फर्दर अपना ऑयल एंड गैस का, क्योंकि अब जब डॉलर आपने 162 पे पहुंचा दिया है और बातें हो रही हैं 185 की, तो फिर आपके इम्पोर्ट्स जो हैं वो और मुश्किल हो जाएंगे लोगों के लिए बेयर करना, और इस वजह से आपने अपना जो एक्सप्लोरेशन है उसको तेज करना होगा, आपने ज़्यादा अट्रैक्टिव प्राइसेस देनी होंगी इंटरनेशनल कंपनीज को, आपने वहाँ की सिक्योरिटी सिचुएशन को करना होगा, ताकि इस मुल्क में अपनी कैपेसिटी बढ़े।
अपने चाहे वो ऑयल हो चाहे वो गैस हो उसको निकालने की कैपेसिटी बढ़े। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।